नमस्कार, सियासी खबरों का खास कार्यक्रम राजनीति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। चलिए आज राजनीति में सबसे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा। सिब्बल साहब, मैं बता, पहले जब कहें तो बताइए। मैं सीए की बात कर रहा हूं, नाम लेने से क्या? मैं सीए की बात, आप बैठे ना, बैठी बैठी गृह मंत्री जी, कोई ये नहीं कह रहा कि सीएए किसी की नागरिकता के छीनेगा, हम नहीं कह रहे। सब एक मिनट बात तो सुन लीजिए। आप मुझे नहीं, आप देखिए मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरी बात तो सुन, मान्यवर मेरी बात। सिब्बल साहब, गुलाम नबी साहब करते हुए कहता है, कानून ये कहता है कि जब एनपीआर होगा उसमें 10 सवाल और, बात तो सुनिए मेरी, एनपीआर होगा उसमें 10 सवाल और पूछे जाएंगे, और जो एन्यूमरेटर है, जो राज्य सरकार का अध्यक्ष है, वो जाकर को पूछेगा, ये भी बता देता हूँ, उसके बाद वो डी लगा देगा डाउटफुल, उसके बाद इंक्वायरी शुरू होगी। और ये मुसलमानों के प्रति नहीं है, ये गरीब लोगों के प्रति है, ये जो दलित लोगों के प्रति है, ये सब लोगों के। प्लीज प्लीज सिब्बल साहब, मैं रिकॉर्ड पे कुछ कहना चाहता हूँ, शायद आपके काम में। बैठिए सिब्बल जी बैठ जाइए। मैं बताता हूँ आपको। आप बैठ जाइए। मान्यवर, मैं कितने भाषण कोट कर सकता हूं श्रीमान कपिल सिब्बल की पार्टी के नेताओं के, जो कहते हैं सीएए माइनॉरिटी के खिलाफ। बता दे किस तरह से माइनॉरिटी के खिलाफ, किसी के? मैं आपको बताता हूं मान्यवर, सीए मान्यवर कपिल सिब्बल साहब, मान्यवर माननीय सदस्य ने, बेटे बेटे मत बोलिए ना, माननीय सदस्य ने कहा कि एनपीआर के अंदर डॉक्यूमेंट मांगेंगे। मैंने खुद स्पष्टता करी है, प्रेस रिलीज किया है कि एनपीआर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा। एक दूसरा पहले के एनपीआर में भी नहीं मांगा गया था, इसमें भी नहीं मांगा जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा था इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करें, इसकी भी स्पष्टता प्रेस रिलीज कर दी है कि जितनी इंफॉर्मेशन देनी है उतनी देने के लिए आप आजाद हो, पूरा ऑप्शनल है। तीसरा, लेकिन ये आप लोगों ने स्पष्ट नहीं किया, ये आप लोगों ने स्पष्ट नहीं किया। एक मिनट, मैं लोकसभा मान्यवर, मैं आपको बताता हूं, चलो आपने अब तक नहीं सुना, मेरी बात अब तक नहीं पहुंची तो मैं अभी कह देता हूं, लीजिए पहुंच गई, आमने सामने बैठे हैं, कृपया आप समर्थन करिए। मैं आपको भाई,